हेलो दोस्तों, मैं राजेश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल अड्डा में। इस वीडियो में हम SSC JEE जनरल साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में हमने 14 नवंबर को मैकेनिकल सेक्शन में जो पेपर आया था उसे हमने डिस्कस करा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे आई बटन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस सेशन में हम 16 नवंबर को होने वाले पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखें क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिगार्डिंग अवर सेंट्रल डोगमा। वर्ड जरा ध्यान से देखिए, सेंट्रल डोगमा। अब आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल डोगमा होता क्या है। चले मैं इसको समझाता हूँ एक बार। इसी क्वेश्चन आप अगर इसको डिटेल में समझ जाएंगे तो आपको इसके आंसर के बारे में समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। देखें सेंट्रल डोगमा होता क्या है। हमारे बॉडी के अंदर अगर डीएनए से डीएनए बने, देखिए एक टर्म है हमारे पास, डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो हम उसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से डीएनए इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। वर्ड थोड़े लंबे हैं जरा ध्यान रखे। और डीएनए से अगर हमारे पास एमआरएनए बनता है या आरएनए अगर हमारे पास बने तो हम इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड, ये ध्यान से देखें, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन कब होगा, जब डीएनए से आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर अगर यहां से आके अगर हम इससे आगे लेके जाएं, एमआरएनए से जब प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये तीसरा जो पार्ट है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो दोबारा ध्यान से समझे, बॉडी के अंदर ये मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं। इसमें होता क्या है, डीएनए से डीएनए बने तो रेप्लिकेशन को हो गया, आप डीएनए से आरएनए बने एमआरएनए बने तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनना जब शुरू हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो देखें ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, डीएनए से डीएनए बने दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बने ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बने तो ट्रांसलेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जरा देखें इसको, मैंने इसको आपको ऐसे समझाया है, क्यों समझाया, इसके आंसर जो है बिल्कुल वैसे ही कंफ्यूजिंग है। देखो हर एक वर्ड आ जाएगा आपके क्वेश्चन के इसमें। देखें पहला क्वेश्चन है, एमआरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ये तो लाइन बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल गलत, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये लाइन गलत हो गई। एमआरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ये भी गलत हो गया। एमआरएनए सिंथेसिस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज, ये भी लास्ट वाला पॉइंट गलत है, ये हमारे पास रेप्लिकेशन कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ कफ सिरप। देखिए कफ सिरप में हमारे पास जो मेन हमारा जो कंपोनेंट होता है वो हाईली सॉल्युबल नेचर का होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप बहुत सारे कंटेंट डालते हो, वो कंटेंट उसके अंदर मिक्स हो जाए और बॉडी के अंदर फिर अच्छी तरह से एसिमिलेट हो जाए, ये जरूरी होता है। किसी भी मेडिसिन की खासियत ये होती है कि वो हमारे बॉडी के अंदर अच्छी तरह से एसिमिलेट हो जाए, उसके लिए वो सॉल्युबल होना चाहिए। सो जरा ध्यान से देखें, इनमें आपको ये समझना पड़ेगा जो सबसे बेस्ट सॉल्युबिलिटी शो करेगा वही हमारे पास बेस्ट है। अब देखा जाए तो आंसर आप सबको पता होगा इथेनॉल ही होता है आंसर। कारण क्या होता है, देखो इथेनॉल का जो बेसिक हमारे पास यूज है, इथेनॉल ये हमारे पास दो प्रोसेस में यूज होता है। सबसे पहले टॉनिक बनाने में हम यूज करते हैं, और दूसरा हमारे पास कफ सिरप। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है ये हमारे पास कफ सिरप, देखें कफ सिरप, ये हमारे पास कफ सिरप बनाने में यूज होगा, ठीक है। सो आपको ये याद रहना चाहिए, इथेनॉल इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ टॉनिक्स एंड कफ सिरप। अब आप इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान से देखें, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये देखें ये हमारे पास कफ सिरप है, बेनाड्रिल, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कफ सिरप, इथेनॉल, ठीक है आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखें क्या है पहला, अब ये करेक्ट के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे ऐसे होंगे जिसमें स्टेटमेंट जो होगा वो निगेशन को कभी ढूंढता है, कभी कभी वो असर्शन को ढूंढता है। असर्शन कहने मतलब पॉजिटिव लाइन को ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखें, ये कह रहा है इनमें से चार लाइनों में से कौन सी लाइन जो है हमारे पास सही एक्सप्लेन करे, मतलब लाइन ही सही है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखें, WBC जो एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल, ठीक है, WBC एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल, बिल्कुल ठीक है। ये लाइन WBC एक सिंगल सेल की तरह पूरी तरह से काम करता है। ओके स्यूडोपोडिया इज अमीबा हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल, बिल्कुल गलत है। स्यूडोपोडिया का काम होता है लोकोमोशन, ताकि अमीबा अपना खाना ढूंढ सके और उसे एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। वो एक प्रोसेस होता है जिसमें अमीबा खाने को चारों तरफ से घेर के उसे खा लेता है, तो दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। याद रहे स्यूडो का मतलब होता है झूठा और पोडिया मतलब होता है पैर। तो अमीबा के ऐसे पैर, अमीबा की बॉडी का स्ट्रक्चर जिस तरह से वो आगे बढ़ता है और फूड को खा जाता है और वो एक तरह से पैर की तरह काम करते हैं, इसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो ये लाइन तो गलत होगी।
ये कह रहे हैं ये फॉर्मेशन ऑफ सेल में काम आता है। तीसरा है हमारे पास दया है कि ग्रुप ऑफ सेल, ये बिल्कुल ही गलत है। एंड द लास्ट वर्ड सेल कैन नॉट बी स्फेरिकल, नहीं सेल स्फेरिकल भी होते हैं और क्यूबॉइडल भी होते हैं, बहुत तरह के सेल होते हैं जैसे न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल कभी भी स्फेरिकल नहीं होता, उसकी लेंथ होती है, उसका एक टर्मिनल पार्ट होता है, बॉटम पार्ट होता है। तो ये लाइन बिल्कुल गलत होगी। सो ओवरऑल देखा जाए हमारे पास इसमें, अगर हमारे पास जो सही आंसर है वो जरा देखे ध्यान से, आपको क्या ढूंढना है इसमें, एक सही लाइन, एक सही वर्ड, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कोई ये निगेशन वर्ड नहीं ढूंढना। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बाकी सारे के सारे निगेशन वर्ड है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा हमारे पास ध्यान से इसको स्टडी करें। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, देखें इसका सॉल्यूशन को समझते हैं। मैथमेटिकली द डायरेक्ट रिलेशनशिप विच लॉ रिप्रेजेंटेड द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दे रखी है वी बाई टी, मतलब वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर के बारे में बात करी है और कि हमारे पास कॉन्स्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन तो जनरल साइंस में पूछा गया है, बट मैकेनिकल के पेपर में भी, ये मेन कोर्स में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। इसका सॉल्यूशन तो मैंने आपको समझाया, देखें एक मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बना रखा है, बट एक ट्रिक है जिससे आप इस लॉ को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। देखें मैं उसको आपको समझाता हूं। ये हमारे पास होता क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीन टर्म्स होते हैं जो थर्मोडायनामिक्स के पैरामीटर कहलाते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से ये लिखे हैं उसी तरह से आप इसको समझें। जैसे देखें जो कॉर्नर वाला पार्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट का काम करेगा, ये लॉज जो है कॉर्नर वाले पार्ट कांस्टेंट पे ही काम करेंगे। मैं आपको समझाने की तरीका समझाता हूं। देखो ये हमारे पास प्रेशर है और ये हमारे पास वॉल्यूम है, जिस तरह से लिखा है इसका मतलब ये प्रोडक्ट में है। सो प्रेशर और वॉल्यूम को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास ये टर्म जो आएगा वो बार बार टर्म कांस्टेंट आएगा, लेकिन ये तभी होगा जब हमारे इसका जो कॉर्नर पार्ट है टेम्परेचर, वो हमारे पास टेम्परेचर कैसा रहे कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये बात जरा ध्यान रखें, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे आ जाए, इस वाले लाइन की तरफ आए, यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर को जरा ध्यान से देखें। तो वॉल्यूम और ये टेम्परेचर ये डिवाइड की तरह है, तो डिवाइड में लिखें। अब इसका कॉर्नर पार्ट कौन है, प्रेशर। तो याद रहे ये जो वॉल्यूम बाय टी ये जो आएगा टर्म, ये हमेशा रेशियो जो आएगा कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन ये कांस्टेंट तब आएगा जब हमारा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम थर्ड वाले लाइन पे इधर की तरफ से देखें, तो इस वाले सिचुएशन में प्रेशर और टेम्परेचर ये रेशियो बन रहा है। अब इस रेशियो में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉर्नर में कौन चला गया, वॉल्यूम। सो इसका मतलब है प्रेशर बाई वॉल्यूम, ये टेम्परेचर जो होगा ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये कांस्टेंट आपको तभी मिलेगा जब हमारा वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस केस में हमारे पास ये। अब जरा ध्यान से देखें हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या है, इस इक्वेशन को v बाई टी का रेशियो है। अब v बाई टी का रेशियो जो है k फॉर कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो अब जरा इसको देखें जरा ध्यान से, v बाई टी ये हमारे पास आ गया। ये जो लॉ है इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, याद रहे इसको, ये जो प्रोडक्ट लिखा है ये बॉयल्स लॉ हो गया, ठीक है। उसी तरह से ये हमारे पास इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ हो गया। और हमारे पास जो थर्ड है इसको हम कहते हैं गे लुसॉक लॉ, गे लुसॉक लॉ। तो आप जरा ध्यान से देखें रेशियो और कांस्टेंट को पहचाने। यहाँ पे वी बाई टी है, हमारे पास क्वेश्चन में वी बाई टी के बारे में पूछा गया था, वी बाई टी, तो ये कौन सा है, चार्ल्स लॉ। तो ये छोटी सी टेक्निक है जिससे आप हमेशा इसे याद रख सकते हैं, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पेपर में आता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल, ये IUCN की फुल फॉर्म है, द हिमालयन, ये देखें ये कुछ जानवरों के नाम है, ये एक स्टैटिकल क्वेश्चन दे रहा है आपके पास, ब्राउन वियर, ये वाइल्ड एसियाटिक बफेलो है, और डिजर्ट फॉक्स है, एंड हॉर्नबिल। देखें ये एक स्टैटिकल क्वेश्चन है, इसको तो बस याद किया जा सकता है, या अगर आपके ध्यान में है तो आप इसे फटाफट टिक कर सकते हो। अब इसमें पूछा गया है आपसे, ये जो चार एनिमल है हिमालयन ब्राउन बियर, ये एसियाटिक बफेलो और डिजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल के बारे में, ये इन चारों में से कौन से सेक्शन में आएगा, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट, और ये एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, चले मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। देखें इसमें क्या है, एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो तकरीबन खत्म होने की कगार पे, उसका कारण ये होता है कि हम उसके जो हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं, जिस भी इकोसिस्टम में रहते हैं, हम उसी को खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो ड्यू टू द लॉस ऑफ हैबिटेट एंड जेनेटिक वेरिएशन, जब इनका खत्म होना शुरू होते हैं तो उसको हम एंडेंजर्ड स्पीसीज कह देते हैं, ठीक। उसी तरह से हमारे पास दूसरा है एंडेमिक, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो पार्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, मतलब पार्टिकल सेक्शन पे जो रहते हैं ऐसे जीव, उनको हम कहते हैं एंड ये एंडेमिक। और हमारे पास जो तीसरा था जरा ध्यान से देखें,
ये एक बुक है, रेड डाटा बुक। ये बुक में इन सारी की सारी क्लासिफिकेशन होती है कि कौन सा एंडेंजर्ड है, कौन सा एपिडेमिक, और कौन सा ये हमारे पास एक्सटिंक्ट है। अब देखिए जरा क्वेश्चन को समझे। इट्स अ वेरी सिंपल, ये जो चार है ये स्टैटिकल क्वेश्चन था, और ये रेयर क्लास रेयर स्पीसीज में क्लासीफाई की गई है। ठीक है, तो इसका तो आपको बस पता होना चाहिए, अगर पता है तो आप इसका सही से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाए। देखें, Which of the following forests are found in the higher latitude, northern hemisphere, also called taiga? अब जैसे ज़रा ध्यान समझे, ये हमारे पास मान लो अर्थ है, ये हमारे पास लाइन है जिसको आप इक्वेटर कहते हो, ये जो जितनी भी लाइन है ऊपर की तरफ चल रही है इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, नीचे की भी तरह हमारे पास लैटिट्यूड है। इन्होंने बोला है नॉर्दर्न साइड की तरफ, अगर आप नॉर्दर्न साइड की तरफ लैटिट्यूड की तरफ चले तो जैसे जैसे आप यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे ये ठंडा जोन जो है कोल्ड रीजन स्टार्ट होगा, यहाँ पे बर्फबारी काफी ज्यादा होती रहती है। तो यहाँ के जितने भी पेड़ होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, वो सभी के सभी एक कॉनिकल शेप में डेवलप होते हैं। आप कॉनिकल शेप में डेवलप इसलिए होते हैं क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। अब उसका एक एक्सेस प्रेशर उनको झेलना है, तो नॉर्मली वो क्या होता है, इस तरह का स्लॉप टाइप का प्लांट्स होते हैं, और घर भी यहाँ पे जो बनाए जाते हैं वो भी इसी तरह के बनाए जाते हैं ताकि वो आसानी से उस प्रेशर को ये साइड से, ये बर्फ साइड से निकल जाए। ठीक है, ताकि उसके ऊपर प्रेशर ना आए। ठीक है, तो इस तरह के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो न्यूक्लियर शेप की होती है, कोन शेप का होता है, तो हम इसे कॉनिकल फॉर्म भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड। तो जरा ध्यान से देखें, इसके आपको एक इमेज दिखाते हैं। ये देखें, ये बर्फबारी हुई है क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काफी ऊपर है, ठंडा रहेगा वो मौसम। अब ये इस तरह से ट्रेंगुलर फॉर्म है, ये बर्फबारी हो रही है, साइड से बड़े आराम से उतर जाते हैं। ठीक है, ताकि प्रेशर के ऊपर ज्यादा ना हो। तो इस तरह के जो हमारे पास जंगल होते हैं उनको हम कॉनिफेरस ट्री कहते हैं, नॉर्मली इनके अंदर पाइन्स ये सारे एग्जाम्पल है, तो इस तरह के जंगलों को हम नॉर्मली कहते हैं टैगा। ठीक है, तो देखें हमारे पास जो क्वेश्चन क्या था, ये देखें विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट, ये हमारे पास नॉर्दर्न में कॉल्ड टैगा, ये होंगे कहाँ? देखें जरा ध्यान से, इनके जो पेड़ पौधे हैं वो कौन से रीजन में आएंगे? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ एनर्जी? इट्स अ वेरी सिंपल, इट कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। आपको बहुत पहले से ही पता है एनर्जी के बारे में, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट एग्जिस्ट ऑनली इन मैकेनिकल फॉर्म। ये बिल्कुल गलत है, बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी होती है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम, इट कैन नॉट, जरा वर्ड जरा ध्यान रखें, इट कैन नॉट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये भी गलत है। एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, ये सब आपको पता ही है। इट इज द स्टोर्ड इन एबिलिटी, ये याद रहे, एनर्जी को हम चाहें तो स्टोर कर सकते हैं, जैसे बैटरी के अंदर आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, डैम में जो पानी स्टोर होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो हम एनर्जी को एक तरह से किसी कंटेनर में, मतलब कंटेनर जैसे टाइप का उसकी सिचुएशन में हम उसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये लास्ट लाइन आपकी हमारे पास सही हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विच जर्मन केमिस्ट फिजिस्ट, जरा ध्यान रहे, एक जर्मन साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बात किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिंग सिस्टम ऑफ डिटरमाइन वेदर द मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। याद रहे वर्ड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो इनके बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा साइंटिस्ट है आपको पहचानना है? देखें, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इन सब का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल, मैं आपको एक समझाता हूँ। हाइड्रोकार्बन जो बेसिकली होता है वो दो तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन, इसकी बहुत सारे ब्रांचेज हो जाएंगी, फिर तो आप ही सिंपली समझे। हाइड्रिक होता है हमारे पास एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में होते हैं जो हमारे पास बेंजीन से स्टार्ट होते हैं, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। एलिफैटिक में चेन होता है, साइक्लिक भी हो जाते हैं, इस तरह के भी बनते हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं होते जिस तरह से यहाँ पे अरेंज होते हैं। तो दोबारा सुने, हाइड्रोकार्बन को हमने दो पार्ट में पार्टिसिपेट कर रखा है, नॉर्मली क्लासिफाई कर रखा है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक का सिंपल अलग होता है, एरोमेटिक में पाई इलेक्ट्रॉन और एक रिंग फॉर्म में वो अरेंज होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो डिफरेंट होती है इनके मुकाबले। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन एलिफैटिक है कौन एरोमेटिक है? इसके लिए हक्कल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक रूल बनाया जिसको उसको हम हक्कल रूल भी कहते हैं। तो ये हक्कल रूल जो होता है सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिसिटी के
बारे में ही बताता है, ठीक है। सो देखिए इस क्वेश्चन को, ये हमारे पास एरोमेटिक, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। हक्कल ने एक फार्मूला दिया, इस फार्मूले में जो भी नंबर ऑफ टर्म्स, ये एन है, आप इसमें फिल इन द करें और ये जो भी फार्मूला आएगा वो हमारे पास उसको एरोमेटिसिटी को शो करेगा, ठीक है। तो ये जो रूल है इसको हम कहते हैं हक्कल्स रूल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें, आ जाए। हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1936 में नोबेल प्राइज मिला डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। देखें इसके बारे में थोड़ा समझे। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, आप सबको पता है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है ना, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और इसका अगर हम मास के बारे में बात करें तो हमारे पास 9.1 × 10⁻³¹ kg, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में है, इलेक्ट्रॉन का डाटा है। 1936 में नॉर्मली इन साइंटिस्ट ने एक पॉजिट्रॉन की खोज करी और ये पॉजिट्रॉन में ठीक उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन के पास है, मतलब 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम ही चार्ज है। बट ये नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मास भी इसका डिट्टो वैसा ही था, 9.1 × 10⁻³¹, ठीक है। तो जितना चार्ज, जैसा चार्ज इसके पास है वैसा ही चार्ज इसके पास है, जितना मास इसका है उतना ही मास इसके पास है, लेकिन हमने इसका नाम रखा पॉजिट्रॉन। तो ये जो डिस्कवरी करी थी, इनका नाम था कार्ल एंडरसन। याद रहे, कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। नाम इसलिए इसका ऐसा पड़ रहा है क्योंकि बिल्कुल सिमिलर डिट्टो, आप कह सकते हो कि दोनों का मास और चार्ज दोनों एक जैसा है, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए हमने इसका नाम रखा पॉजिट्रॉन, ठीक है। चले आगे बढ़े, ये रहे कार्ल एंडरसन, ये कार्ल डेविड एंडरसन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। इफ द ऑब्जेक्ट मूव विद एक्चुअल स्पीड, याद रहे स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं और वो स्पीड है कितनी, एक्स, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब ये जो वर्ड है हमारे पास, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज, और निकालना भी क्या है आपके पास, एवरेज स्पीड। अब कोई पार्टिकल है वो नॉर्मली स्पीड में चल रहा है, वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रह गया, कांस्टेंट स्पीड है, उन्होंने खुद ही बोल दिया यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड है। तो बेटा वो चाहे जैसा चले, इधर टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरह से चले, एक यूनिफॉर्म मोशन में है और आप बार बार स्पीड के बारे में बात कर रहे हो और एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहे हो, तो उसकी स्पीड कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड होगी नॉर्मली, पहले कितनी थी एक्स और बाद में भी कितनी होगी एक्स। अगर वेलोसिटी के बारे में बात की जाती तो हमें डायरेक्शन के बारे में बात करनी पड़ती, तब वो अलग भी हो सकता था, जीरो भी आ सकता है, हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, बट डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं करी उन्होंने, सब के बारे में, किसके बारे में बात करी है, स्पीड के बारे में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, और वो कितनी वैल्यू है, एक्स। चल है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखें। विच वेव फॉल इन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन द रेडियो वेव एंड इंफ्रारेड इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अच्छा, जो इन दोनों के बीच में आ रही है उसका काम क्या है, जरा ध्यान से देखिए। वायरलेस नेटवर्क के काम में आता है, स्पेस एयरक्राफ्ट में आता है, कम्युनिकेशन में आता है, मेडिकल डायथर्मी में भी काम में आता है। तो ये चार ऑप्शन है। अब देखिए, आपको इसके लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता कैसा है। चलो देखें, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें होता ये है कि जो वेव है हमारे पास, जितने भी तरह की वेव है, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हमने उसे अलग अलग पार्ट में नाम दे दिया, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, विजिबल, ये अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। ये हमारे पास हमने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमने एक सीरीज सी बना रखी है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, आप क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। रेडियो वेव और इंफ्रारेड, इनके बीच में कोई ऐसी वेव है जो किस काम में आती है, कम्युनिकेशन में आती है और डायथर्मी मेडिकल डायग्नोसिस में भी काम आती है। तो याद रहे, रेडियो और इंफ्रारेड के बीच में सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव आती है और माइक्रोवेव का काम भी होता है, ये रडार डिटेक्शन में जितने भी डिवाइसेस बनाई जाती है वो माइक्रोवेव की रेंज में ही आती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में ये हमारे पास काम आ भी रहा है। सो ये क्वेश्चन हमारे पास जो था, देखें रेडियो वेव एंड इंफ्रारेड के बीच में आने वाली जो वेव है वो कौन सी होगी हमारे पास, माइक्रोवेव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नोबल गैस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लिस्टिंग है, नोबल गैस किस रेंज में आती है ये आपको बताना है। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये पैरियोडिक टेबल का एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखें। ये हमारे पास पैरियोडिक टेबल है, इसमें देखिए पहले वाला जो होता है नॉर्मली हम इसको कहते हैं एल्काली मेटल,
ठीक है, एल कैली। दूसरा जो हमारे पास होता है एल्कलाइन होता है, ठीक है, एल्कलाइन, ठीक है। ठीक उसी तरह से हमारे पास जो ये यहाँ पे है, इसको हम कहते हैं हेलोजन, आपने सुना होगा इसके बारे में। अच्छा, लास्ट वाला जो लिस्ट होता है ये 18 नंबर पे आता है, अगर आप इसको काउंटिंग करें ग्रुप के हिसाब से 1 2 3 4 5, तो ये 18वें नंबर पे आता है। इसमें जितने भी गैसेस रखी है, मतलब मोस्टली तो सारे गैसेज ही हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सारे के सारे गैसेस हैं, और इन सभी को हम नोबल गैस कहते हैं। याद रहे, इसमें आने वाले, इस लिस्ट में, इस ग्रुप में आने वाले जितने भी गैसेस हैं, उन सभी को हम नोबल गैस कहते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखें, पहले वाले ग्रुप में एल्कैली है, दूसरा एल्कलाइन है, इसको हम हैलोजन कहते हैं, ये नोबल गैस है, और उससे पहले वाला कैल्कुजन होता है। तो आप लिस्ट के हिसाब से जरा ध्यान से देखें, नंबर कितना आ रहा है, 18। याद रहे, ये काउंटिंग करोगे तो 18वां ग्रुप बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, नोबल गैस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, दैट इज योर 18th ग्रुप, ठीक है। सो देखिए, आज के पेपर में जो हमने ये जनरल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करा है, जो कि 16 नवंबर में आई हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इलेक्ट्रिकल का पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि अगले सीजन में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।